हाय देयर गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लॉसिप्स। सो आज हम करने लगे हैं आप लोगों की प्रॉबेबली सबसे फेवरेट वीडियो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस सो मच। आई गॉट ऑल दिस स्किन केयर, ऑल ऑफ दिस अंडर 2500 रुपीज़। 2500 से कहीं कम का, एंड दिस इज अ लॉट ऑफ स्किन केयर। बहुत सारे शीट मास्क हैं, एज यू कैन सी दीज आर 20। बहुत सारे फेस मास्क हैं। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सब हैं इसके अंदर। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ आर मोस्ट लव्ड पाकिस्तानी ब्रांड्स। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढ सकूं जो कि लोकल भी हों लेकिन वो हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी हों। बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्किन केयर, तो मैं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। एंड दिस इज़ वॉट आई फाउंड, एंड टूडे आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ होल स्किन केयर रूटीन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स। सो द फर्स्ट स्टेप बिफोर एनी स्किन केयर रूटीन, गेट द हेयर आउट ऑफ द वे। और अभी फिलहाल पूरे दिन का सनस्क्रीन मेरे चेहरे पर लगा हुआ है। सो दिस इज अ सनस्क्रीन जो मैंने 450 रुपीज का लिया है, एंड लेट मी टेल यू गाइज के कितना अमेजिंग है। यू कैन एक्चुअली सी दैट दिस डज नॉट हैव एनी वाइट कास्ट, एंड इट्स एक्चुअली ऑयल फ्री, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस इन नाइसली। किसी भी सनस्क्रीन को ब्लेंड करना पड़ता है, ओके। एंड यू कैन सी के कोई इसमें मेजर वाइट कास्ट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऑफ हैविंग दिस ऑन, दिस इज़ वॉट माई स्किन लुक्स लाइक। मेरी स्किन नॉर्मली भी इतनी ही ऑयली होती है, सो आई एम ग्लैड कि इसने मेरी स्किन को ज़्यादा ग्रीसी नहीं किया। बट देर इज़ अ नाइस ग्लो ऑन द स्किन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेस्ट ऑफ द स्किन केयर रूटीन। सो मैंने बाल बंद कर लिए, एंड वी आर गोइंग ऑन टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी स्किन केयर रूटीन, विच इज़ टेकिंग ऑल दिस मेकअप ऑफ। अगर पूरे दिन का आपका स्किन केयर लगा हुआ है, सनस्क्रीन लगा हुआ है, दिस इज़ द टाइम यू टेक इट ऑफ। अच्छा, आई पर्सनली यूज़ माई मेकअप इरेसर, दिस वन राइट हियर। ये लिटरली आसान अल्फाज में एक कपड़ा है, ठीक है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसको कहीं भी कैरी करके लेके जा सकती हूँ, अपने बैग में, किसी और के घर, और मुझे सिर्फ इसको इस तरह से गीला करना होता है। And I have to do this, and all the makeup, all the skincare from the previous day, sunscreen वगैरह सब उतर के आ जाता है। और जब ये थोड़ा सा dirty हो जाता है, बस मैं इसको धो देती हूँ। That's how sustainable this is. Just like that, my face is all clean. By the way, इन सारे products के links जो है description box में मौजूद हैं। All you have to do is click the title, वो सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। Now that the skin is squeaky clean, we're going to go ahead with our face wash. ये सईद गनी का गोट मिल्क फेस वॉश है। अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है या सेंसिटिव है, तो आप इसका नीम वाला फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपकी स्किन अगर ऑयली, ड्राई या नॉर्मल है, आई फील लाइक ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। इट ब्राइटन्स योर स्किन अप और स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। आई पर्सनली फील लाइक जो इसकी बेस्ट बात है ना, वो ये है दैट इट्स सो अफोर्डेबल। पीपल ऑफ एनी एज कैन यूज इट, एंड इट रियली क्लियर्स अप योर स्किन। सो गर्ल्स, रिमेंबर, डैम्प स्किन के ऊपर एटलीस्ट 1 मिनट के लिए अपने फेस वॉश को अच्छी तरह से इस तरीके से आप लगाएं, सो दैट आपकी स्किन जो है वो एक्चुअली क्लीन हो प्रॉपरली। अच्छा, सो द वन थिंग दैट आई रियली रियली लाइक अबाउट दिस फेस वॉश इज दैट कि ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है। कुछ इस तरह के फेस वॉशेज होते हैं कि आप यूज करते हो तो आपकी स्किन के अंदर से वो सारा ऑयल निकाल देते हैं और स्किन बिल्कुल ऐसे ड्राई ड्राई सी खिंची खिंची फील होती है। दिस डज नॉट डू दैट फॉर यू। इट एक्चुअली हाइड्रेट्स योर स्किन और बहुत एक सॉफ्ट सी फीलिंग आती है स्किन के ऊपर। मैं बेसिक स्किन केयर रूटीन को थोड़ा सा पैम्परिंग वाला स्किन केयर रूटीन बना रही हूँ, बिकॉज इट्स अ सैटरडे नाइट एंड आई रियली जस्ट वॉन्ट टू चिल आउट। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं कोई भी इनमें से एक शीट मास्क यूज़ कर सकती हूँ, एंड लेट मी टेल यू दीज आर सम ऑफ द मोस्ट हाइड्रेटिंग हाई क्वालिटी शीट मास्क दैट आई हैव एवर बॉट ऑनलाइन। एंड प्लस 600 में देवर 10, सो आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट परचेज एवर। एक बार मैंने लिया, फेल इन लव विद इट, दिस इज लिटरली माई थर्ड ऑर्डर, और इस बार मैंने 20 मंगाए। दैट्स हाउ ऑब्सेस्ड आई एम विद देम। और जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, दैट इज टू चूज फ्रॉम एनी वन फ्रॉम दीज 4 मास्क, एंड येस दीज 4 वर फॉर 600 रुपीज, पूरे 4 600 रुपए के। फर्स्ट वन इज पिंक क्ले, यानी कि कैलामाइन क्ले। मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, इस ब्रांड का पहली बार यूज करूंगी। दिस इज एंटी एजिंग, क्योंकि ये आपकी सारी वो रिंकल्स और फाइन लाइंस पे काम करता है, सो दिस इज परफेक्ट फॉर दैट। काओलिन क्ले मास्क इज अमेजिंग फॉर पीपल विद एक्नी प्रोन स्किन, क्योंकि ये आपके ब्रेकआउट्स को, जो छोटे 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 बम्प्स हो जाते हैं ना स्किन के ऊपर, उनको तो ओवरनाइट खत्म करता है, लेकिन जो आपके बड़े एक्नी के कोई प्रॉब्लम्स है, ज्यादा एक्नी निकली हुई है,
उनको बहुत जल्दी ख़त्म करता है, बहुत बहुत अच्छा काम करता है उस चीज़ के ऊपर. द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज़ मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स में क्या ही बताऊँ आप लोगों को, सबको पता है कि कितनी अमेजिंग होती है मुल्तानी मिट्टी. ये आपकी स्किन के एक एक पोर को साफ करती है, अगर स्किन पे कोई टैन हुआ हुआ होता है वो उसको रिमूव करती है, आपकी स्किन को ब्राइटन करती है, और अगर कोई भी एक्नी मार्क्स हैं, स्कार्स हैं, जैसे मेरा ये एक स्कार है, इसको लाइटन करती है. दिस इज़ लाइक एन ऑल इन वन प्रोडक्ट, द अल्टीमेट स्किन केयर इंग्रीडियंट ऑनेस्टली. एंड द फोर्थ वन इज द एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, और ये आपके स्किन के अंदर से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और कोई भी इस तरह का अगर बैक्टीरिया, गंक, कुछ भी है आपके पोर्स के अंदर, उसको ऐसे सक आउट करता है कि आप उसका डिफरेंस पहली दफा में देख सकते हो. इट्स दैट अमेजिंग. यू कैन ईजिली लाइक पास इट डाउन टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, टू योर सिस्टर, हुएवर यू वॉन्ट टू पास इट टू, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, बिकॉज ये इन्ग्रीडियंट्स भी बहुत अमेजिंग है. सो आज मैं कौन सा ट्राई आउट करने वाली हूँ, लेट्स चेक दैट आउट. आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग अहेड विद द पिंक क्ले मास्क. I just put 2 tablespoons of this in this bowl. इसके अंदर मैं rose water mix करूँगी. By the way, this is that one product जो कि मैं कहती हूँ सबसे मज़े का toner है, सबसे amazing face mist है. अगर serum से पहले you need your skin to be damp, nothing is better than this. I'm just going to quickly mix this so that ये dry out ना हो जाए. I'm just going to mix this nicely because इस time पे मुझे अभी spoon के अलावा कुछ और मिल नहीं रहा. It's pretty late in the night. Now I'm just going to apply this to my face with this cold spoon. It's such a beautiful color, man. बिल्कुल bricks का जो color होता है ना, ये वो color है. हाय हाय मेरे काले कपड़ों पे. And it stains. Shit. Must just be careful कि गिरे नहीं, because this stains. It already has stained my black clothes. Okay guys, I have to be really careful with this. It's literally like putting icing on a cake, yaar. Let this stay on till it dries out, kyunki ye automatically abhi apna color change karega. And that's the time when I have to go and wash it off. And just like that, we've applied the most risky face mask for black clothes at least. But वैसे तो it was like putting on icing on a cake. इतना स्मूथ इसका पूरा जो टेक्सचर था बन के आया है. आई एम जस्ट गोइंग टू लेट दिस ऑन फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, तब तक ये ड्राई आउट हो जाएगा. आई शुड स्टे क्वाइट बिकॉज मास्क लगा के ज़्यादा बातें नहीं करते. ओके, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ड्राइंग. नाउ एज यू कैन सी दैट द मास्क हैज़ ऑलमोस्ट ड्राइड, आई एम गोइंग टू गो एंड वॉश माई फेस. ऑल राइट, सो आई जस्ट वॉश्ड माई फेस. आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरी स्किन पे जो स्टेन था ना, उसका ब्रिक रेड कलर का, वो थोड़ा सा रह जाएगा. बट देन आई जस्ट हैड टू वॉश इट नाइसली एंड इट केम ऑफ. सो इफ दैट हैपन्स टू यू, प्लीज डोंट वरी. मास्क को थोड़ा सा अच्छी तरह से वॉश आउट करना पड़ता है. नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद आवर नेक्स्ट स्टेप. एंड ऑल्सो लेट मी मैंशन वन थिंग, कि ये मास्क लगाना एक एवरी डे स्किन केयर रूटीन में नहीं आएगा. दिस इज मोर ऑफ समथिंग दैट यू डू ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, जैसे आपको अपने आप को पैम्परिंग टाइम देने का दिल चाह रहा हो तब. बट अब हम आते हैं टूवर्ड्स द मोर बेसिक स्किन केयर रूटीन. आफ्टर वॉशिंग आवर फेस और आफ्टर अप्लाइंग अ फेस मास्क, वी आर ऑलवेज गोइंग टू अप्लाई टोनर ऑन आवर स्किन. और टोनर के लिए मैं यूज़ करूँगी अपना ये रोज़ वाटर. बिकॉज ठीक है यार, सारे टोनर्स अपनी जगह, बट जो रोज़ वाटर है ना, द काइंड ऑफ फ्रेशनेस इट जस्ट गिव्स यू. एक तो उसकी खुशबू, उस खुशबू से जो एक फ्रेशनेस आती है, उसके बाद जो रोज़ के प्रॉपर्टीज़ आपकी स्किन को ऐसे हाइड्रेट कर देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, बेबी सॉफ्ट. आई डोंट थिंक एनी टोनर और एनी मिस्ट डज इट टू दैट लेवल. एंड प्लस कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज़ सो अफोर्डेबल, इट जस्ट शुड बी इन योर स्किन केयर किट. जस्ट गोना स्प्रे सम ऑन. अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने से पहले मैं इसको पूरी तरीके से अपनी स्किन के अंदर जज्ब होने दूंगी. बिकॉज हम बहुत दफ़ा गलती ये करते हैं कि हम स्किन केयर इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि हम अपने पहले प्रोडक्ट को पूरी तरीके से अपनी स्किन में जज्ब ही नहीं होने देते और हम दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं. सो ऑलवेज गिव लाइक एटलीस्ट 30 seconds टू 1 minute का ब्रेक बिटवीन ऑल योर प्रोडक्ट्स, स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग सिरम्स. इन दिस केस टोनर को सूखने देंगे थोड़ी देर. ओके, रिव्यू टाइम. आई मीन इतने सारे वो छोटे छोटे बम्प्स हुए हुए थे मेरी स्किन के ऊपर एंड दे हैव वैनिश्ड. अभी एकदम से आई कैन फील
कि मेरी पूरी स्किन डिटॉक्स हो गई है एंड आई रियली रियली लाइक दिस. सो मैंने तो फ़ौरन से इन चारों मास्क को अपने स्किन केयर ड्रॉर के अंदर डाल दिया बिकॉज आई अप्रूव. टोनर भी पूरी तरीके से सूख चुका है. अच्छा, इफ़ यू गाइज नो मी, मैं तो इतनी एक्स्ट्रा हूँ कि मैं अभी इस फेस मास्क के बाद एक शीट मास्क भी लगाती फॉर हाइड्रेटिंग माई स्किन टू लेवल मैक्स. लेकिन आज ना उतनी हिम्मत है और ना उतना दिल कर रहा है एक्स्ट्रा स्किन केयर करने का. सो वी आर जस्ट गोइंग टू कीप इट सिंपल एंड बेसिक और अब हम चलेंगे टूवर्ड्स आर मॉइस्चराइजर विच इज़ द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू अप्लाई टू एंड दिस स्किन केयर रूटीन. सो मैंने इस मॉइस्चराइजर को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया हुआ है. ऑल द प्रोडक्ट्स आर लिंक्ड, जस्ट चेक देम आउट. आई वॉज पर्सनली समवन हु लव्ड सेरावे के मॉइस्चराइजर्स, लाइक आई कुड नॉट चूज ओवर एनीथिंग एल्स. और मैंने इतने मॉइस्चराइजर्स ट्राई आउट किए बट दे जस्ट डिडेंट सर्व द पर्पज. आई फील लाइक दिस इज़ द ओनली मॉइस्चराइजर जिसने वो वाली कंफर्ट मुझे दी है, सेरावे वाली. बिकॉज यू नो आई हैव ऑयली स्किन और मुझे इस तरह का मॉइस्चराइजर चाहिए होता है जो मेरी स्किन को ग्रीसी ना करे, ऑयली ना करे. ऑलरेडी ऑयली स्किन है ना, तो उसके ऊपर से और ज़्यादा विल बी लाइक हॉरेबल. और मैं हर वक्त मॉइस्चराइजर लगा के रखती हूँ. सो आई नीड अ वेरी कंफर्टेबल लाइट सा मॉइस्चराइजर एंड दिस इज़ दैट मॉइस्चराइजर. इट्स सो लाइट, सो नॉन ग्रीसी एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस के स्किन को एक्चुअली हाइड्रेट भी करता है. इफ़ यू आर ऑल्सो समवन लाइक मी जिसको सेरावे बहुत पसंद था, आई वुड से गिव दिस वन अ ट्राई. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट. एंड जस्ट लाइक दैट द मोस्ट सिंपल, द मोस्ट अफोर्डेबल एंड द मोस्ट बेसिक स्किन केयर रूटीन इज नाउ कम्प्लीट. आप लोगों ने मुझे इतने टाइम से रिक्वेस्ट की हुई थी कि हमें कोई इस तरह की वीडियो ला कर दो कि जिसके अंदर इंतहा का अफोर्डेबल स्किन केयर हो जो कि टीनेजर्स, मदर्स, वर्किंग वुमेन, anybody can afford them, anybody can use them, लेकिन quality पर compromise नहीं होनी चाहिए. And so I made this entire skincare bundle for you guys. I hope आपको video पसंद आई हो. अगर आपको video पसंद आई so please don't forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I'm going to catch you guys in my next video. Bye.